नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क इस वक्त आपके लिए सुरक्षा कवच है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है, आप जहां कहीं भी जाएंगे मास्क नहीं उतारेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। कोरोना वैक्सीन पर जारी जंग तेज होती जा रही है। एक तरफ कई राज्य वैक्सीन की कमी की दलील दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कई राज्य ऐसे हैं जहां बड़े पैमाने पर वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। केंद्र सरकार ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की बर्बादी रोकने और टीकाकरण तेज करने की सलाह दी है। केंद्र ने भरोसा दिया कि राज्यों को उनकी जरूरत के मुताबिक समय पर वैक्सीन मुहैया करवाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक केंद्र ने राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी 1% से भी कम करने की अपील की है। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन की सबसे ज्यादा बर्बादी झारखंड में हो रही है। वहां औसतन 37% से ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी होने का दावा है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 30%, तमिलनाडु में 15%, जम्मू और कश्मीर में करीब 11%, मध्य प्रदेश में भी करीब 11% वैक्सीन बर्बाद होने का दावा है। बताया गया कि पूरे देश में वैक्सीन की बर्बादी का औसत 6% से ज्यादा है। तो वैक्सीन की बर्बादी पर टकराव तेज हो गया है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, और तमाम राज्य हैं उन्होंने केंद्र के आरोपों को नकारा है। झारखंड की तरफ से दावा यह किया गया है कि 5% से कम वैक्सीन की बर्बादी हुई है, और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उनकी तरफ से आंकड़े अपडेट नहीं किए गए हैं। तो टीके पर टकराव जारी है और अब केंद्र और राज्य आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, और जो पीएम मोदी ने भी कहा था कि इस वक्त वैक्सीन आपके लिए सुरक्षा कवच है, लेकिन जो वैक्सीन की बर्बादी सामने आ रही है, ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि वैक्सीन की बर्बादी क्यों। और चाहे फिर वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, इन सभी राज्यों ने आंकड़े नकारे हैं, और झारखंड की तरफ से ये कहा गया है कि जो आंकड़े केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं वो सही नहीं है, हो सकता है कि आंकड़े अपडेट ना हुए हों। वैक्सीन की बर्बादी के केंद्र सरकार के आरोपों पर झारखंड सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। झारखंड ने वैक्सीन की बर्बादी पर केंद्र सरकार के आंकड़ों को नकारते हुए साफ कर दिया कि उनकी तरफ से केंद्र सरकार को आंकड़ों के दुरुस्त करने के लिए चिट्ठी भी लिखी गई है। चिट्ठी में इस बात का जिक्र है कि आज तक जितनी भी वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है उसकी तुलना में झारखंड में वैक्सीन की बर्बादी की दर सिर्फ 4.5% है, जबकि केंद्र सरकार के मुताबिक ये 37% से ज्यादा है। राज्यों में वैक्सीन बर्बादी पर सियासत शुरू हो चुकी है। झारखंड के मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरोप लगाया कि राज्य को बदनाम करने के लिए वैक्सीन बर्बादी का भ्रम है। झारखंड में वैक्सीन बर्बादी पर गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार को घेरा। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला। अभी जो है अबव 45 और अबव 18 को यदि जोड़ लेंगे तो 6,52,000 ही हमारे पास जो है वैक्सीन बचे हैं। और दूसरी तरफ जो है भ्रामक प्रचार भी किया जा रहा है कि 37% जो है हमारा जो वेस्टेज है, जबकि हमारा वेस्टेज जो है 4.65% है, और देश के दूसरे राज्यों से कहीं कम हमारा वेस्टेज है। आज जो आंकड़ा आया है स्वास्थ्य मंत्रालय का, और उसमें कहा है कि सबसे ज़्यादा यदि वैक्सीन की कहीं बर्बादी हुई है तो वो झारखंड में हुई है, 37.3%, और ये झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए एक डूब मरने वाली बात है। ये वैक्सीन की जो चोरी है, और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस का जो बयान आया है कि ये 4.65 है और हम आंकड़ा दे रहे हैं, हम आंकड़ा के खेल में नहीं जा रहे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। प्रियंका कांडपाल दिल्ली से, भवानी सिंह जयपुर से, दिवाकर सिंह मुंबई से, और संजय भी हैं हमारे साथ रांची से। सबसे पहले संजय, मैं आपके पास आती हूं। जो राज्य सरकार की तरफ से नकारा गया है और कहा गया है कि आंकड़े अपडेट नहीं हुए हैं, ऐसे में सच्चाई क्या है? बिल्कुल, यहां से राज्य सरकार की ओर से जो केंद्र सरकार का जो रिपोर्ट है उसको खारिज किया गया। बताया गया कि पूरी तरह रिपोर्ट भ्रामक है और गलत है। साथ ही सीएम ने ट्वीट कर बकायदा कहा है कि जो
केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीन झारखंड को दी गई है, वो वैक्सीन में से ज्यादातर वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया, महज जो है 4.6% ही वैक्सीन झारखंड में बर्बाद हुई है, जो कि दूसरे राज्यों की तुलना में काफी कम है। जैसे ही ये केंद्र की रिपोर्ट जारी हुई, स्वास्थ्य मंत्री से बाकायदा न्यूज 18 ने बात की और स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कहा कि रिपोर्ट पूरी तरह गलत है और जो केंद्र सरकार का जो कोविन ऐप है उसे अपडेट नहीं किया गया और ऐप में जो है कुछ समस्या है, जिसे झारखंड से जो संबंधित डाटा है उसे बिल्कुल अपडेट नहीं किया गया और सभी जो डाटा है भ्रामक है और गलत है। इस संबंध में जो स्वास्थ्य विभाग के जो आपको झारखंड के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने बाकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को एक चिट्ठी भी लिखी है और उनसे आग्रह किया कि आप कृपया कोविन ऐप में जो डाटा है झारखंड से संबंधित डाटा आप उसको अपडेट करें ताकि लोगों के बीच एक सही संदेश जाए। अब सवाल क्या है कि केंद्र सरकार की से जो रिपोर्ट जारी किए गए कि जो बाकायदा 37.3% जो झारखंड में सबसे ज्यादा वैक्सीन बर्बाद हुई है उसको लेकर एक सियासत भी गर्म हो गई है, बीजेपी ने हमला बोला है सरकार पर, सरकार की ओर से बचाव में ये कह सकते हैं कि अपने जो डाटा है उसे पुरजोर तरीके से सामने रखा गया है, पूरा स्वास्थ्य महकमा सामने आया है और केंद्र सरकार की रिपोर्ट को खारिज किया गया है। बिल्कुल संजय, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि जो केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े थे उसमें झारखंड पहले नंबर पर था, 37% केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था और जो झारखंड सरकार कह रही है वो 5% से कम है, ऐसे में जो आंकड़ों के बीच में अंतर है वो काफी ज्यादा है। बिल्कुल जसप्रीत, हम आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से डाटा जारी किया गया है, केंद्र सरकार से जितनी भी वैक्सीन मिली है और झारखंड के सभी 24 जिलों में जितनी वैक्सीन भेजी गई है, पूरा डाटा 24 जिला में जितना वैक्सीन भेजा गया है, जितने वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है और जितना वैक्सीन बर्बाद हुआ है, वो सभी डाटा एक दिखाया गया है राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया है और बताया गया कि हमने आपकी ओर से जितना भी डाटा दिया है उसको जिलावार हमने रिपोर्ट आपको दिखा दिया। साथ ही सीएम की जो ट्वीट है, सीएम ने अपने ट्वीट में बाकायदा केंद्र सरकार की रिपोर्ट का यह हवाला दिया है कि आप ही की रिपोर्ट कहती है कि आपने जो हमको वैक्सीन दिया है तकरीबन 48,000 से ज्यादा वैक्सीन हमें दिया है, हमने 40 लाख से ज्यादा वैक्सीन का इस्तेमाल किया है और वैक्सीनेशन की बर्बादी महज 4.6% है। तो आप ऐसे में कैसे ये नया जो डाटा है, नया जो आप कह सकते हैं कि मैसेज दे रहे हैं देश के सामने में कि झारखंड में सबसे ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हुई है। तो स्वास्थ्य मंत्री, सीएम के ट्वीट, स्वास्थ्य महकमा अधिकारी पूरे रिपोर्ट के सामने हमें, अब सवाल है केंद्र की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, झारखंड सरकार की ओर से रिपोर्ट में जो जवाब दिया गया है, ये दोनों रिपोर्ट आमने सामने में है और दोनों रिपोर्ट को बीच में जो फंसी है वो कोविन ऐप के माध्यम से फंसी हुई है। जसप्रीत, ठीक है संजय, बने रहिए इसी तरह।